तो अब आपका काम है कि बाकी के बच्चों के साथ भी आप मिलके काम कर सकें, ठीक है। तो इसको ऐसे फॉर्म को हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद बाकी सारी जो डिटेल है ये इसमें से कोई जब प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा आपका, कि आपके माइंड में उसका सोल्यूशन आ गया, आपने उसके बारे में बनाना स्टार्ट किया, जब वो पूरा बन जाएगा उसके बाद ये मुझे फॉर्म भरना है। तो क्या है, यू हैव सिलेक्टेड द ऑप्शन ऑफ एनी अदर, चलो ये एनी अदर वाला मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे लिखना है मुझे आपको आपके प्रोजेक्ट का टाइटल, कि आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, व्हाई आर यू चूजिंग दिस पर्टिकुलर एरिया, आपने ये एरिया क्यों सिलेक्ट किया उसके बारे में बताना है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन साइलेंट फीचर्स ऑफ द प्रपोज सॉल्यूशन एंड हाउ इज द प्रपोज सॉल्यूशन सॉल्विंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। इस तरह से ये जो एक फॉर्म है, तो ये जैसे जैसे आपके पास प्रॉब्लम आ गया उसका आपके पास सॉल्यूशन आ गया, तो आपके जो सारे जो क्वेश्चंस हैं ना इसके भी सॉल्यूशंस आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। इसको आगे ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ATL मैराथन रिसर्च डॉक्यूमेंट सबमिशन, तो ठीक है, हमें जो डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करना है उसके बाद, हाँ अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि ATL मैराथन में हमें पार्टिसिपेट कैसे करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ATL मैराथन वीडियो सबमिशन, ठीक है। तो इसका टाइम लिमिट कितना है, 3 मिनट का मुझे एक वीडियो बनाना होगा जिसे मुझे यूट्यूब पे अपलोड करना है, ठीक। और उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द, हाँ अब यहाँ पे 3 मिनट की वीडियो में हमें क्या क्या देना है, तो पहला इंट्रोडक्शन टू द करंट वर्किंग प्रोटोटाइप, वर्किंग प्रोटोटाइप का मतलब समझा, आपको एक मॉडल बनाना है, ठीक है। जैसे एक कोई मॉडल बनाने के बाद वर्किंग प्रोटोटाइप, इंट्रोडक्शन टू द करंट वर्किंग प्रोटोटाइप, क्यों वर्किंग प्रोटोटाइप कैसे काम करता है उसका इंट्रोडक्शन देना है। फंक्शनैलिटीज एंड साइलेंट फीचर्स, कि उसके क्या क्या फीचर्स हैं। ऑन ग्राउंड टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आपने जितने बच्चों ने भी साइंस एग्जीबिशन में या इंस्पायर अवार्ड में ऐसे कॉम्पिटिशन में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ होगा, तो आप क्या करते हो, मॉडल बनाते हो और जाके वहां पे डिस्प्ले करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ऑन ग्राउंड टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। सपोज आपने ब्लाइंड पर्सन के लिए एक स्टिक बनाई, तो आपने तो बना दी, लेकिन क्या आपने वो ऑन ग्राउंड टेस्ट किया हुआ है, किसी ब्लाइंड पर्सन के को देके आपने टेस्ट किया है, क्योंकि आपको वो ज़्यादा बेटरली बता पाएगा कि ये प्रॉपर है या नहीं, बरोबर है। जब उसका जब प्रॉब्लम, क्योंकि हमने बनाया किसके लिए है, उस पर्सन के लिए बनाया, तो हमें उस पर्सन के सामने टेस्ट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, एक स्टूडेंट ने स्मार्ट शू फॉर ब्लाइंड पर्सन बनाया था 2018 में, ठीक है। अब उसने शू जो बनाया था ना, वो जब बच्चा अमरावती से नागपुर जब जा रहा था बाय ट्रेन, तो उसे वहां पे एक ब्लाइंड पर्सन मिल गया और उसने उसके ऊपर टेस्ट किया और उसने वहां पे अपने रिकमेंडेशन दिए, वहां पे उसके बारे में जो भी उसको डिटेल्स देनी थी, और वो प्रोजेक्ट बेटा स्टेट लेवल में इंस्पायर अवार्ड में सिलेक्ट हुआ, मतलब तालुका लेवल से सिलेक्ट हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्ट हुआ, फिर स्टेट लेवल पे सिलेक्ट हुआ, और फिर वो नेशनल लेवल तक के पहुंच गया था वो प्रोजेक्ट। उसका मेन जो रीजन था ना वो ये था कि ऑन ग्राउंड उसने टेस्टिंग की। ये तो कितना भी अच्छा आप प्रोजेक्ट बना लो, अगर आपने ऑन ग्राउंड टेस्टिंग ही नहीं किया हुआ उसे, तो आप आगे वाले को कैसे कन्विंस करोगे कि ये हमारा प्रोजेक्ट परफेक्ट है, है ना। तो उसी तरह से रोल ऑफ ईच टीम मेंबर, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी, लोकल मेंटर्स, इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री शेयरिंग, ठीक है, ये जो है ये मेरे काम का है ये पॉइंट। या आपके पास अगर कोई कम्युनिटी का लोकल कोई मेंटर है, ठीक है, उसे आप अगर जैसे मान हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में आपने किसी से आपने गाइडेंस लिया, तो उसको भी यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो कितने बच्चे एक प्रोजेक्ट में सिलेक्ट करने हैं, हमें एक प्रोजेक्ट में मैक्सिमम 3 बच्चे चाहिए, ठीक है। सिंगल स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है, मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, ठीक है। और उसको हमें यहाँ पे उस प्रोजेक्ट को हमें यहाँ पे अपलोड करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको क्लियर हुए क्या? Yes. सबको क्लियर हो गए प्रॉब्लम स्टेटमेंट? Yes. तो अभी आपको ये प्रॉब्लम्स के ऊपर हमें सोचना है कि हमें कैसे